सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। जहां चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशी अपना समर्थन पाने में जुटे हैं, वहीं प्रशासन लोकतंत्र के इस पर्व को निष्पक्ष शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए बूथ बूथ पहुँच रही है। मेदनगर नगर निगम के 35 वार्ड में बनाए गए सभी वार्डों का सदर अनुमंडल पदाधिकारी नंद किशोर गुप्ता ने निरीक्षण किया। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा के साथ साथ पेयजल शौचालय व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। 13 सेक्टर में बटे सभी बूथों पर दीवार लेखन का भी पड़ताल किया गया। कैप्टन से बातचीत में सदर एसडीओ नंद किशोर गुप्ता ने बताया कि सभी बूथों पर जिले के सभी पदाधिकारियों का कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर अंकित है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या मतदाताओं को होती है तो जनता इस नंबर पर संपर्क कर सकती है। पलामू जिला प्रशासन डराने धमकाने प्रलोभन देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। मौके पर सदस्य शिवशंकर पांडे भी मौजूद थे। तो सभी जगह हम लोगों ने उसको 13 सेक्टर में बांट रखा है। हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर दिया गया है जी। और वो लोग जो है सो पिछले 15 दिनों से फील्ड में अपना सारा काम कर रहे हैं। बूथ का जहाँ भी जो भी कमी है, रैंप है, शौचालय है, इलेक्ट्रिसिटी है जी, जो मिनिमम बेसिक फैसिलिटी है वो हर बूथ पे हम लोग वोटर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट सम आइडल बूथ ऑल्सो, जो मॉडल बूथ हम लोग बनाएंगे जिसमें एक बूथ पलामू क्लब भी रहेगा जी। तो मतदाताओं को के लिए और जो हमारे मतदान कर्मी हैं उनको सभी प्रकार की सुविधा जो है सो कम्फर्टेबली मतदान कराए और मतदाता भी कम्फर्टेबली आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करे, इसकी पूरी की पूरी सुरक्षा के साथ साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रशासन संकल्पित है।